रैंडम शुगर की बात आपका ऑफिसर आपका डॉक्टर लिख रहा है उस रिपोर्ट में, तो आप वो शुगर लिख रहे हैं जब उनकी शुगर गिरी हुई, और वो कोट करके आप एक मुख्यमंत्री को दवा नहीं दे रहे। आप बोलिए ना कि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है वो झूठी है, कहिए। नहीं कह सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है, जो कल रिपोर्ट हमने मीडिया में रखी है, वो उनके ग्लूकोमीटर में दर्ज है। उसमें पूरे 20 दिन की यूनिट्स दर्ज है, उसके अंदर पूरी 20 दिन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। जेल में बंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बयानों की बौछारें बढ़ती ही जा रही हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के इशारे पर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और आपके बड़े नेता सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की हेल्थ को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि बार बार मांग करने के बाद भी सीएम को इंसुलिन मुहैया नहीं कराई जा रही है। केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में मारने की साजिश रची जा रही है, उन्हें स्लो डेथ की तरफ खकेला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री खुद ही मशीन की मदद से अपने शुगर लेवल की जांच कर रहे हैं और उन्होंने जेल प्रशासन से इंसुलिन की मांग की है, लेकिन जेल प्रशासन और डॉक्टर उन्हें इंसुलिन देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में उनको कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ी है। केजरीवाल के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लेटर के हवाले से ये भी कहा कि मैं आज आपको कुछ ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे सभी को ये पता चल जाएगा कि कैसे केंद्र सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री को मारने की साजिश कर रही है। इनका कहना है कि हमारे यहां विशेषज्ञ और डॉक्टर हैं जो अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, लेकिन ये पत्र तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है। इस लेटर में तिहाड़ डीजी ने डायबिटीज के स्पेशलिस्ट की मांग की है। वहीं तिहाड़ जेल के डीजी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की हेल्थ रिपोर्ट एलजी को सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल में अपने मेडिकल चेकअप के दौरान केजरीवाल डॉक्टरों को बता चुके हैं कि वो पिछले कुछ सालों तक इंसुलिन लेते थे, लेकिन तेलंगाना के एक निजी डॉक्टर की सलाह पर वो कुछ महीनों पहले ही इंसुलिन लेना बंद कर चुके हैं। आरएमएल हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट बताती है कि केजरीवाल को इंसुलिन लेने की सलाह नहीं दी गई थी। वहीं मेडिसिन एक्सपर्ट ने मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य जांच के बाद कहा था कि सीएम का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है और फिलहाल उन्हें इंसुलिन की जरूरत नहीं है। जेल प्रशासन का ये भी कहना है कि तिहाड़ जेल की डिस्पेंसरी में इंसुलिन का काफी स्टॉक है और जरूरत पड़ने पर केजरीवाल को इंसुलिन जरूर दिया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस रिपोर्ट पर भी शक जताया है। पार्टी के सीनियर लीडर आतिशी का कहना है कि जेल में बंद केजरीवाल का शुगर लेवल 300 के पार पहुंचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के इशारे पर जेल प्रशासन सीएम को इंसुलिन नहीं दे रहा है। वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता इसे आपका नाटक बता रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी बेवजह केजरीवाल की सेहत से जुड़ा भ्रम फैलाकर सहानुभूति से वोट पाना चाहती है। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है। रिपोर्ट से ये साफ है कि अभी तक किसी भी डॉक्टर ने उन्हें इंसुलिन देने की सिफारिश नहीं की है। ऐसे में ये तो समय ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सेहत को ढाल बनाकर वोट बटोरना चाहती है या फिर जेल प्रशासन कोई गंभीर लापरवाही बरत रहा है। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज।